जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो हाजिर हूँ झांसी की कुछ अहम खबरों के साथ। देश के कई राज्यों में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, हजारों पक्षी मारे गए हैं। इसमें बाहर से आने वाले प्रवासी पक्षी माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं। हालांकि स्थिति कंट्रोल में है, पर झांसी के प्रेमनगर में बने चर्च में उस समय अफरा तफरी मच गई। पेड़ किनारे आधा दर्जन से ज्यादा कौवे मरे देखे। फिलहाल चर्च के फादर ने झांसी प्रशासन को सूचना दे दी है। प्रशासन तुरंत मौके पर पहुंचकर मरे हुए कौओं को इकट्ठा कर जांच के लिए भेजने की बात कही, तभी पता चल सकेगा कि इन कौओं की मौत बर्ड फ्लू या ठंड से हुई है। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। झांसी से संवाददाता मनीष अली की रिपोर्ट। पूजा करने के लिए 15-20 लोग इधर पूजा में थे, तो उसके तुरंत बाद में उन्होंने देख लिया कि 2-3 कौवे इधर ऊपर से गिर रहे हैं, मर रहे हैं। तो उन्होंने पूछा, भाई क्या बात है, कैसे कौवे गिर रहे हैं? तो हमें इनके बारे में कुछ मालूम नहीं था, लेकिन उसके बाद में एक दो चार इस तरह से अभी करीब 10 दिन से ये सिलसिला चल रहा है। और आज हमने कई 10-12 कौवे हमने देखे कि तो हम घबरा गए। और साथ ही टीवी में भी आजकल बर्ड फ्लू की बातें आ रही हैं, तो हमने ये समझा कि झांसी के अधिकारियों को इसके बारे में सूचना दिया जाए। तो चर्च के प्रांगण में और आश्रम प्रेमनगर थाने के आसपास में यहाँ पर बहुत सारे कौवे शाम के समय में इकट्ठे हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये पहली बार हो रहा है कि ये कौवे इस तरह से मर रहे हैं। मेरा नाम फादर एम्ब्रूस है। ये बताइए, आप आए, क्या देखा है? जैसे मैंने सुबह सुबह मिस्सा बलिदान कदम करते हुए घर लौट रहे थे, तब जैसे देखा था सब लोग एक एक करके गिरने लगे। तब मैंने फायर को ये सूचना देने के लिए मैं फायर को बुलाया, और जैसे फायर को मैंने समझाया, फायर को ले आके एक्स को दिखाया, फादर जी तुरंत नगर निगम को अधिकारी लोगों को फ़ोन करके यहाँ पर बुलाया ताकि ये सब सभी झांसी निवासी लोग इससे जागृत रहें या अपने आप को बचा के रखें, इसलिए हम लोग इसे सूचना दिया। बताना चाहता हूँ कि आज मुझे सूचना मिली कि यहाँ सेंट जॉन चर्च में कुछ कौओं की मृत्यु हो गई। तो मैं अपनी टीम के साथ, मैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी झांसी डॉक्टर YS तोमर बोल रहा हूँ। तो मैं अपनी टीम के साथ यहाँ मैंने स्थल का निरीक्षण किया, देखा, उसमें मौना किया, तो यहाँ 5-6 कौए मरे हुए थे, बाकी 2-3 उसमें जिंदा थे, जिनको हम लोगों ने सैंपल के तौर पर लिया है, उनकी हम जाँच कराएंगे और जाँच के उपरांत ही हम निर्णय पर पहुँचाएंगे कि क्या स्थिति है।